Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Gopijana Balhava Girivaradhari. Jaya Gopijana Balhava Girivaradhari. Jasodhanandana Braja Janaranjana. Boliye sab log. Jasodhanandana Braja Janaranjana. Jasodhanandana Braja Janaranjana. Jamuna Tira Banachari. Jamuna Tira Banachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Boliye sab log, please. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Loudly. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ah,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari bol. Jaya Jaya Prabhupad, 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 Prabhupad. सभी लोग प्रणाम करें. जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद्वै चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्री श्री राधा पार्थ सारथि ललिता विशाखा जीव की जय. श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जीव की जय. श्री श्री प्रह्लाद नरसिंह देव की जय. श्री श्री गौर निताय की जय. जुग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय. भगवत वाणी भगवत गीता की जय. समवेत भक्त वृंद की जय. निताय गौर हरि प्रेमानंदे. ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग श्रील प्रभुपाद की जय. आप लोग थोड़ा शांति बनाए रखिए, कोई शोर ना करे, कोई बीच में बात ना करे, बच्चों को थोड़ा संभाल के रखिए. सब लोग हाथ जोड़िए, मेरे पीछे मंत्र को बोलिए. ओम नमः भगवते वासुदेवाय. ओम नमः भगवते वासुदेवाय. ओम नमः भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये. आज हम भगवद गीता जथारोह अध्याय 7 और श्लोक संख्या 1 पर चर्चा करेंगे. आप मेरे पीछे श्लोक को दोहराइए. श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच, मया सक्ता मनाः पार्थ जोगम जुंजा मदाश्रया असंशयम समग्रंमा जथा ज्ञास्यसि तत्सृणु. मया सक्ता मनः पार्थ जोग चुंजन मदाश्रयः
असंशयम समग्रं मा जथा ज्ञास्यसि तत्श्रुणु मया सक्त मना पार्थ जोग जुंजन्मदाश्रया असंशयम समग्रं मा जथा ज्ञास्यसि तत्श्रुणु मया सक्त मना पार्थ जोग जुंजन्मदाश्रया असंशयम समग्रं मा जथा ज्ञास्यसि तत्श्रुणु श्री भगवान उवाच मया सक्त मना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मा असंशयं समग्रं मा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु और कोई आप में से कोई बोल सकता है नहीं ओके इसके अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए श्री भगवान ने कहा हे प्रथापुत्र आप सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना में पूर्ण होकर और मन को मुझमें आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो अभी ध्यान पूर्वक सुनिए तात्पर्य भगवत गीता की इस सातवां अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है प्रकृति मतलब स्वभाव हाँ कि हम जो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहे हैं इसके स्वभाव की वर्णन हुई है क्या है कृष्ण समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है और वो इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसकी वर्णन इसमें हुआ है इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि चार प्रकार की भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और चार प्रकार की भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं जाते हैं प्रथम अध्याय में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है जो विभिन्न प्रकार की योग द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है छठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना या दूसरे शब्द में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है अन्यथा नहीं निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्जामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्यता का पूर्ण अंश है क्योंकि यह आंशिक होती है कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है विभिन्न प्रकार की योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान है जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वो स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा की विषय में पूरी तरह जान लेता है कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को तथा परम सत्य जीवात्माएं प्रकृति तथा सात सामग्री समेत उनके प्राकट्य को पूरी तरह जान सकता है अतः मनुष्य को चाहिए
कि छठे अध्याय की अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करें, परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवदा भक्ति द्वारा संपन्न किया जाता है, जिसमें श्रवण अग्रणी है एवं सबसे महत्वपूर्ण है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं तत् श्रुणो, अर्थात मुझसे सुनो, कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं, अतः उनसे सुनने के जिससे सौभाग्य प्राप्त होता है वो पूर्णतया कृष्ण भावनामृत भावित हो जाता है। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सुनना चाहिए या उनसे सीखना चाहिए कि अपनी शिक्षा का अभिमान न करके वो अभक्त न बने। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवतम की प्रथम स्कंद की द्वितीय अध्याय में इस प्रकार हुआ है। श्रुणतम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदय अंतोस्तो ही अभद्राणी विधुनोति सुहृत्सताम नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावा कामालोभादयस्य चेतं इतार अनाविद्धं स्थितं सत्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानं मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथी छिन्दन्ते सर्व संशया खीयन्ते चस्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनेश्वरे। इसके अनुवाद, वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है, और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है उनके लिए वे शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं, और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वो शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। ज्यों ज्यों वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है त्यों त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। भक्ति की विकसित होने पर वह रज तथा तम गुण से मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब ये कड़मस दूर हो जाते हैं तो भक्त सत्व गुण में स्थिर हो जाता है, भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्तों को असंशयम समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुख से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। हरे कृष्ण। ओं अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन सलकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओं विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत्य देशतारिणे। नमः महाबदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी
राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपित वाम भागो पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो जितने भक्त मंदिर में आते हैं दर्शन करने के लिए तो सबके मन लगभग भगवान के पर आसक्त हैं आकर्षित हैं, इसलिए हमारे व्यस्त कार्यक्रम को छोड़कर हम मंदिर में आते हैं। तो बहुत लोग कहते हैं हम तो भगवान को मानते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं हम मानते नहीं हैं, परंतु भगवान को मानना और न मानने से भगवान के अस्तित्व में कुछ कमी नहीं पड़ता है। वह भगवान अपने स्थान से नीचे नहीं गिर जाते हैं। लोग भगवान के विषय में जानते नहीं हैं, तो कैसे मानेंगे? तो जो लोग जानते हैं वो लोग मानते हैं। आप यदि मानते हैं तो आप भगवान के विषय में जानते होंगे, लेकिन भगवान को कोई पूरी तरह से नहीं जानता है। कुछ लोग कहते हैं हाँ भगवान तो बहुत महान है, भगवान तो बहुत बड़ा है, लेकिन भगवान कितने महान है कितने बड़ा है इस विषय में किसी को पता नहीं है। इसलिए हम लोग न जानने के कारण हम भगवान को पूरी तरह से नहीं मानते हैं। परंतु इस श्लोक में आज हम सुनेंगे कि कैसे हम भगवान को जान सकते हैं ठीक तरह से, भगवान को जानने की क्या विधि है, तभी हम भगवान को ठीक तरह से मान सकते हैं। तो छठा अध्याय में भगवान अर्जुन की पूछे हुए एक सवाल का उत्तर देते हुए कहे, अर्जुन ने पूछा था कि मेरी मन बहुत चंचल है, मैं कैसे मेरी मन को आप में स्थिर करूं? तो भगवान उनको कहे कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा आप मन को मुझ में लगाओ। अर्जुन ने प्रश्न किया था मन तो बहुत चंचल है, बहुत हटिला है, बैठे बैठे कहां पहुंच जाता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है, सत्संग में बैठे हैं मन बहुत प्रकार के विचलित होता है, बहुत प्रकार की चिंताएं आ जाती हैं। तो फिर भगवान कहे कि श्रृंखलित रूप से बार बार अभ्यास करने पर इस अभ्यास ही आपको सफलता प्रदान कर सकता है मन को नियंत्रण करने में, और इसको कहते हैं योग। सबसे बड़ा योग क्या है? ना मन को भगवान में लगाना। जुगिनांग अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना। परंतु इस मन को भगवान में लगाने के लिए सरल विधि है भगवान की भक्ति व भजन। तो अर्जुन ने पूछा इस प्रकार में भजन व भक्ति में कैसे करूं? तो भगवान इसके उत्तर देते हुए कहते हैं मया सक्त, अपने मन को मुझ में आसक्त करो। और भगवान में कैसे मन को आसक्त कर सकते हैं? भगवान करें मदाश्रय, मेरी आश्रय ग्रहण करो। भगवान के आश्रय कैसे ले? यदि हम भगवान की महानता के विषय में सुनेंगे जानेंगे तब फिर भगवान के हम आश्रय ले सकते हैं।
कोई बड़े व्यक्ति की पास हम जाते हैं कुछ मदद मांगने के लिए, कुछ सहायता मांगने के लिए, क्यों? हम जानते हैं ये व्यक्ति संपन्न है, ये व्यक्ति के पास इतने ऐश्वर्य हैं और ये व्यक्ति बहुत लोगों को मदद करता है। तो इसी प्रकार यदि हम भगवान की महानता को हम समझेंगे, जानेंगे, तो फिर हम भगवान के आश्रय ले सकते हैं। और भगवान की महानता को हम कैसे समझ सकते हैं? भगवान के विषय में सुनकर, तत् श्रुणु। और खुद भगवान अपना महानता के बारे में बतला रहे, अर्जुन को कह रहे कि सुनो मेरी महानता क्या है। कोई व्यक्ति अपने विषय में अच्छी तरह से बता सकता है अपना नेचर क्या है, है कि नहीं? तो उसी प्रकार कृष्णा अपने स्वभाव के विषय में बतला रहे हैं। अगर यदि हम उनकी स्वभाव के विषय में समझ लेंगे तो मन निश्चित रूप से भगवान में आसक्त हो जाएगा। ये कि स्वभाव है, किसी के विषय में किसकी हम ग्लोरी सुनते हैं, किसकी महानता को सुनते हैं, तो मन तुरंत आकर्षित हो जाता है। ये संसार में मन को आकर्षित करने के लिए कुछ ऐश्वर्य, कुछ अपलेंस होता है। क्या है? किसके पास सुंदरता है तो व्यक्ति आकर्षित हो जाता है, किसके पास ज्ञान है तो लोग उसके प्रति आसक्ति हो जाते हैं, किसके पास धन है तो लोग उनको रेस्पेक्ट करते हैं, किसके पास शक्ति है, बहुत शक्ति है, लोग आकर्षित होते हैं, किसके पास त्याग भी है, लोग उसके त्याग को देख करके आकर्षित हो जाते हैं। तो इसी प्रकार यदि हम देखें संसार में थोड़ी थोड़ी ऐश्वर्य से हमारे मन आकर्षित हो जाता है, परंतु कोई व्यक्ति के पास ऐसे ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में नहीं है, कोई कह नहीं सकता है कि मैं संसार में सबसे सुंदर हूं, कोई ना कोई उनसे अधिक सुंदर होगा। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं सबसे बड़ा धनी हूं, उससे भी और कोई बड़े धनी हो सकता है। कोई ऐसे नहीं कह सकता मैं सबसे शक्तिशाली हूं, क्योंकि संसार में जो भी कुछ हमारे पास ऐश्वर्य है ये सब क्या है? आज कोई टफ वन की आज धनी व्यक्ति है, काल फिर उनकी पोजीशन चेंज हो जाता है। परंतु यदि कोई संसार में है वो कह सकता है कि मैं सबसे बड़ा धनी हूं, सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, सबसे सुंदरतम व्यक्ति हूं, सबसे त्यागी हूं, तो ये कौन है? कृष्णा। कौन है? कृष्ण चंद्र भगवान की जय। क्योंकि कृष्ण ही ये सारी शक्ति, सारी धन, सारी त्याग, सारे फल, इस सब की उत्साह है, सोर्स ऑफ ऑल अपलेंसेस। इसलिए वही दबा कर सकते हैं। हम यदि कहें कि हम सबसे सुंदर हैं, दो मिनट के बाद बुखार आ जाए, बीमार पड़ जाए, चेहरा उतर जाता है, हमारी अपुलेंस का कोई स्थायित्व तो नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति भगवान के विषय में सुनता है तो भगवान के विषय में जान लेता है, और जो व्यक्ति भगवान के विषय में पूरी तरह से जान लेता है तो भगवान को पूरी तरह से अपने को समर्पित कर देता है, उनकी आश्रय ले लेता है। ये माया संसार में हम सब लोग संघर्ष इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कृष्ण के विषय में ज्ञान नहीं है, इसलिए हम माया की आकर्षण से आकर्षित हो जाते हैं, चौकाचौंध हो जाते हैं। क्योंकि परम सत्य में यदि हम अपने मन को आसक्त करते हैं तो हर व्यक्ति अपने पूर्णता को एहसास कर सकता है, वो कभी दुखी नहीं हो सकता है, कभी उनके मन में डिस्ट्रेस नहीं आ सकता है, कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं आ सकती है, वो व्यक्ति हमेशा ही सुखी रह सकता है। क्यों? ना कृष्ण ही पूर्ण है, कृष्ण ही आनंदमय है। तो इसलिए मन को
कृष्ण में जोड़ना चाहिए, आसक्त करना चाहिए। इसलिए कृष्ण के विषय में आसक्त होने के लिए प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं भगवान के विषय में सुनना। सुनने से क्या होता है लाभ, हमारे क्या फायदा होता है? श्रुणताम सुकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम। भगवान के विषय में सुनने से, भगवान के विषय में बोलने से पुण्य प्राप्त होता है। कौन सी पुण्य? इस पुण्य से क्या हम बड़े धनी व्यक्ति बन जाएंगे? लोग हमको बहुत इज्जत करेंगे? नहीं। ये जो पुण्य है ये हमारी हृदय की गंदगी को साफ करता है। हृदय अंतस्तो ही अभद्राणी विधुनोति सुहृत्सताम। भगवान सबके शुभेच्छु हैं। ही इज द वेल विशर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। उनसे कोई इस संसार में शुभेच्छु नहीं है, सुहृद नहीं है, हितैषी नहीं है, ये गारंटेड है। डॉक्टर, मैं कल हॉस्पिटल गया था, वो मांग रहा है फीस पहले जमा करो मरीज को देखने के लिए। मान लीजिए भी कोई डॉक्टर मरीज को देखता है, मेडिसिन भी देता है, परंतु मेडिसिन अच्छे मेडिसिन होने पर भी, डॉक्टर अच्छा होने पर भी मरीज की मौत हो जाता है। ही कैन नॉट से। तो उसी प्रकार मां बाप के सामने बच्चों की डेथ हो जाता है। नो वन इज प्रोटेक्टर। तो जो व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाता है सचमुच कृष्ण ही एकमात्र रक्षक है, कृष्ण सबकी हितैषी है, कृष्ण इज द ओनली मेंटेनर, वो सबकी भरण पोषण करते हैं। गर्भ में हम जब थे उस समय भी भगवान भरण पोषण किए। यदि कोई इसको अनुभव करे और इस ज्ञान से अपने चेतना को इसी प्रकार बनाए रखे, इस संसार में किसी प्रकार दुख से विचलित नहीं हो सकता है। किसी परिस्थिति में वो इसी प्रकार विचलित नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान के विषय में जितने हम सुनते हैं, अधिक अधिक सुनते हैं, तो मन भगवान के ऊपर आकर्षित होता है। आप थोड़े समय पहले देखिए, ये कृष्ण शक्ति को आप अनुभव कर सकते हैं। जैसे आप कीर्तन कर रहे थे, कुछ विदेशी भक्त भी आए थे, वह भी झूमने लगे। हालांकि पता नहीं है ये हरे कृष्ण महामंत्र क्या है। विदेश में तो लोग ये तो पूछते हैं कि हु इज दैट गर्लफ्रेंड और दैट बॉय। और जब प्रभुपाद विदेश गए थे 1965 में, वहां पूछे कि ये लड़की के साथ ये लड़का कौन है, उनका बॉयफ्रेंड कौन है। इतने लोग जानते हैं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, कोई भगवान के विषय में नहीं जानते। लेकिन आप देखिए कि श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्तन, उनकी मुख से सुनते सुनते ऐसे विचारधार वाले व्यक्ति भी कृष्ण के प्रेमी भक्त बन गए। भगवान के नाम कीर्तन में इतनी प्रमत्त हो जाते हैं, लोग देखकर के हैरान हो जाते। जैसे लोग जब जाते हैं अंग्रेज मंदिर में वृंदावन में, कहते हैं ये कौन है, ये लोग इतने नाचते कूदते कैसे हैं। हम लोग को संकोच लगता है कि लोगों के सामने थोड़ा नाचने के लिए, हाँ बैंड पार्ट में तो नाच लेते हैं, नाच लेने दे ना, कुछ चलता है। परंतु वो लोग शर्माते हैं भगवान के सामने सर झुकाने के लिए, प्रणाम करने के लिए। लेकिन ये लोग लेट जाते हैं, माला बनाते हैं, भगवान को कितनी सुंदर श्रृंगार करते हैं। आप लोग देखिए, ऐसे कोई मंदिर में श्रृंगार होती है, सजावट होता है? तो ये था श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त की शक्ति। शुद्ध भक्त से सुनने से ये बेनिफिट होता है कि हमारे अंदर जो सोया हुआ खोया हुआ जो भावना है, हम सबके अंदर कृष्ण के प्रति ही प्रेम सोया हुआ है। इसको कहते डर्मेंट लव।
और ये सुप्त प्रेम को जागृत करने के लिए एकमात्र साधन है श्रवणादि शुद्ध चित्ते करई उदय नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभुना। हम सबके अंदर ये प्रेम पड़ा है, प्रिजर्व है, रिजर्व है, उसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। जैसे आग के अंदर जो दाही की शक्ति है, जलाने की शक्ति को कोई नष्ट नहीं कर सकता है। पानी के अंदर प्यास बुझाने की जो शक्ति है उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है। उसी प्रकार जीव के अंदर जो प्रेम करने के जो स्वभाव है उसको कोई भी किसी भी परिस्थिति में नष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि नित्य सिद्ध है। ये प्रेम के बिना कोई जी नहीं सकता, यहां तक कि भौतिक संसार में क्यों ना हो। परंतु रियली लव जो है ये कृष्ण के साथ कनेक्टेड है। ये संसार में सिर्फ कंडीशनली काम है और कुछ नहीं है। ये फुलफिल नहीं हुआ तो आपके साथ रिलेशन खत्म, आपके साथ लव खत्म। परंतु यदि अनकंडीशनल लव है, इटर्नल लव है, अनरिप्टेड लव है, वो है कृष्ण। कृष्ण हमसे यही चाहते हैं, केवल मन दे दो, कोई वस्तु नहीं चाहते हैं। इसलिए कह रहे कि मया सक्त मना। और प्रेम करने की कला भी बताते हैं, जो को झुंझन अभ्यास करो, इस जो की अभ्यास करो। कैसे? मदाश्रय। बच्चा जितनी मां बाप के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, मां बाप को इतना प्रेम उत्पन्न होता है। बच्चों को भरण पोषण करने के लिए उनको बहुत बड़ा बर्डन नहीं होता है कि बच्चे को कैसे खिलाऊं, बच्चे को कैसे स्कूल भेजूं, क्योंकि एक लव, जहां पर लव है वहां पर रेसिप्रोकेशन है। तो भगवान के साथ इसी प्रकार अपने प्रेम के रिश्ता को जोड़ने के लिए इसी प्रकार के रेसिप्रोकेशन चाहिए, अभ्यास। वो क्या अभ्यास है? श्रवण कीर्तन, भक्ति की नवदा, भक्ति के अभ्यास। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम दास्यम आत्म निवेदनम इति पुंसार्पितम् भक्तिश्चेत् नवलक्षणम् इति पुंसार्पितम् विष्णु। और ये सारी चीज को भगवान ही अर्पित करना चाहिए। इसको कहते हैं भक्ति, डिवोशनल सर्विस। जहां पर अफरिंग है वहां सफरिंग नहीं है। तो भक्ति एक अफरिंग है। जो भी कुछ भावना है हमारे अंदर, जो कुछ वस्तुएं हैं, जो कुछ क्रियाएं हैं, ये सब भगवान को देना चाहिए, क्योंकि ऑल थिंग्स आर गॉड गिफ्टेड। ये जो कुछ वस्तुएं हमारे पास हैं, ये सब भगवान का दिया हुआ है, ये कृपा है। गंगा जल को उठा करके हम यदि गंगा जी में थोड़ा से पूजन कर लेते हैं, इसमें गंगा जी का जल की वृद्धि नहीं होती है, बल्कि इस पूजा के द्वारा गंगा जी को हम प्रसन्न कर लेते हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर लेते हैं गंगा माता की। तो उसी प्रकार भगवान के द्वारा दी गई वस्तु को यदि हम भगवान में ही अर्पित करते हैं, इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। थैंक्स बेटा। बच्चे के पास कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ दिए हैं पिता माता ने, उसको फिर पिता माता को कहते लीजिए। तो इसी प्रकार भगवान जो सबसे अच्छी कीमती वस्तु दिए हैं, क्या है? हमारी मन। ये मन एक मूल्यवान वस्तु है, ये हीरा है, डायमंड है, क्योंकि मन के अनुसार ये संसार में हम सब जीते हैं। और यही मन को भगवान मांग रहे हैं, मई आसक्त अटैचमेंट। तो भगवान के प्रति यदि हम अपने मन को आकर्षित करना चाहते हैं, तो भगवान की अपुलेंस के बारे में सुनना चाहिए कि भगवान कितने सुंदर है। त्रिभुवन कमनीयम तमालवर्णम रविकर गौरंबरम दधाने। तीन लोक में सबसे कामना करने योग्य है भीष्मदेव, सरसजय में लेटे लेटे स्तुति कर रहे हैं। रुक्मणी ने जब भगवान की महिमा को सुनी नारद जी से, तुरंत निश्चित कर ली, रुचिरान नाम आज भी श्लोक में था, वो डिसाइड कर ली कि
कि यदि कोई मेरी पति होने वाला है, मैं किससे विवाह करने वाली हूं, वो है कौन? कृष्णा। श्रुत्वा भुवन सुंदर श्रोणुतम ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतं गतापम् दृशां दृशिमतम् अखिलार्थलाभम् तोई में विशतु चित्तम अपत्रपम् मे। निर्लज होकर कि मैं अपने मन को आप में ही अर्पित कर दिया हूं। इसलिए कुछ लोग तो पहले ही स्वाभाविक रूप से, मेरा भाई जैसे, वो तो पहले तो ही ऐसे रति को, अपने प्रेम को ऐसे प्रकट कर लिए हैं कि मेरे तो गिरिधारी गोपाल, दूसरे तो कोई नहीं। लेकिन कुछ लोगों का आसक्त है नहीं, वो संसार में इतनी रचे बचे हुए हैं, बाल बच्चे में, स्त्री पत्नी धन में, तो भगवान के प्रति एक क्षण भी मन नहीं जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, ध्यान न आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मना आत्मना अन्य सांख्येन जोगेन कर्म जोगेन चापरे अन्वेत्वे भं अजानन्तं श्रुत्वा नेभं उपासते। कुछ लोग ध्यान के द्वारा, कुछ लोग संख्या योग के द्वारा इस प्रकार मेरी ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, लेकिन कुछ लोग मेरे विषय में सुनकर के, अन्येत्वे भं अजानन्तं श्रुत्वा नेभं उपासते, सिर्फ सुन करके मन से ही भगवान की उपासना करते हैं, चिंतन करते हैं, भगवान को प्रेम करने लग जाते हैं। मन मन से हम सोच लेते, विचार कर लेते हैं, ऐसे सुंदर व्यक्ति हैं, ऐसे धनी व्यक्ति हैं, ऐसे त्यागी हैं, सुदामा जैसे ब्राह्मण के चरण को उन्होंने प्रक्षालना किए, ऐसे बालक है जो 7 साल में एक गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। लेकिन कुछ लोग कुकुट नाय जैसे थोड़े बहुत जानते हैं और पूरी तरह से मानते नहीं है। जैसे बड़ी महाराज की पुत्री रत्ना बड़ी थी, जब यज्ञशाला में बामन देव प्रवेश किए उनकी पिता की यज्ञशाला में, बड़ी महाराज यज्ञ कर रहे थे, तो बामन देव की एक छोटे से बैना के रूप था और छतरी पकड़ करके, खड़ाव पहन करके, मेखड़ा पहन करके जब गए, उनके शरीर से इतनी तेज निकल रहा था, इतनी सुंदरता भरी थी उनके शरीर में, सब ब्राह्मण लोग ऋतिज लोग समझ गए, ये कौन हो सकता है ऐसे व्यक्ति, खड़े हो गए। और ये बड़े महाराज की जो बेटी है रत्नावली, वो देख करके सोचा, इतनी सुंदर है, इससे बच्चा यदि मेरे बेटा बनता है ना, मैं इसको दूध पिलाता, मैं इसको परितृप्त कर देता, मेरी जीवन धन्य हो जाता, भगवान के रूप में तो आकर्षित हो गई और भगवान की सेवा करने के लिए तो मन लगा दी। लेकिन दूसरे ओर जो बामन देव थोड़े समय के बाद उनके पिताजी के साथ छल करके 3 पग भूमि के बदले में पूरा ब्रह्मांड को नाप लिए 2 पग में, और तीसरे पग में उनकी पिताजी के सर पर रख दिए, बंदी बना ली। तो भगवान की व्यवहार को देख करके वो रत्नावली इतनी खिन्न हो गई, इतनी गुस्सा की, क्योंकि इससे दुष्ट बच्चे को मैं 20 पिला करके मार देती। भगवान कहे ठीक है, कोई बात नहीं, मारना। तो भगवान तो भावग्राही है, जे जथामंग प्रपद्यन्ते तंग तथैव भजामि हम, और भक्तों की भावना को हमेशा ही पूर्ति करते हैं। ये बड़ी महाराज की पुत्री हैं, बड़ी महाराज तो सब कुछ समर्पण करके आचार्य बन गए, बड़ी बयास किं बयम। तो इसलिए उनकी बेटी होने के नाते भगवान ने रिकमेंड कर दिया, ठीक है तुम दूध भी पिलाओ, जहर भी पिलाओ, मारो। और प्रयास भी की, लक्ष्मी बनकर के आ गई ब्रज में, हलाहल स्तन में जहर लगा करके आई, स्तनकाल कूटम जिघान सयाम अपि अत्सत्य। परंतु भगवान इतनी दयालु हैं, आप देखिए वो तो नहीं जान पाई कि कितनी भगवान के पास मर्सी है, भगवान कितनी अनलिमिटेड करुणा से भरी हुई है उनके हृदय।
मारने के लिए आने वाली उनको मां की गति प्रदान की उस स्त्री को। अहो बकीयम् स्तनकालकूटम् जिघंसयाप्याय असाधवी लेभे गतिं धात्रिचितं ततन्यं कंबादयालं शरणं ब्रजेमा। विदुर मैत्र के बीच में ये प्रसंग की चर्चा हो रही है। ऐसे कौन हो सकता है संसार में दयालु, मारने वाली को मां की गति प्रदान करने वाले। तो कुछ लोग पूरी तरह से भगवान की महिमा को नहीं जानते हैं, परंतु किसी भी प्रकार कोई भगवान के पास आता है तो भगवान उसको उत्तम गति प्रदान करते हैं। तो असुर और सुर में ही अंतर है कि असुर लोग भी भगवान की महानता को जानते हैं परंतु मानते नहीं हैं, उनके साथ चौनते देते हैं, चैलेंज मूड। परंतु देवता लोग जानते हैं और मानते हैं, अर्थात सरेंडर से। तो जो व्यक्ति भगवान की इस महानता को समझ जाते हैं कि भगवान ही ये सृष्टि के उद्गम हैं, हमारे अंदर जो आत्मा है, हाँ ये आत्मा की वजह से हमारी अस्तित्व है, जितनी संसार में हमारी सब रिलेशन है, माँ बाप दादा दादी भाई बहन मामा मम्मी, जितनी भी सब रिलेशन है इस आत्मा की वजह से। अगर आत्मा ना रहे हम कहते हमारी पिताजी चल गए, दादाजी गुजर गए, चल गए। तो आत्मा को लेकर के रिलेशन है और ये आत्मा ही भगवान की नित्य सनातन अंश है, इसलिए अंदर भी वो रिलेशन है बाहर भी वो रिलेशन है। और भगवान सारी अनुभूति को हम जो जो चाह करते हैं उसको परमात्मा के रूप में फुलफिल करते हैं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ट गतिरि भर्ता प्रभु साखी निवासम शरणं स्रोत प्रभव प्रलय स्थानं निधानं विचमपयम्। मैं सब कुछ देता हूं, गति भी देने वाले, भर्ता भी भरण करने वाला, प्रभु हूं, मास्टर। हम लोग कभी सरेंडर से भी इसलिए नहीं आता कि हम मानते नहीं कि मास्टर है। हम कहें कि मोदी प्रधानमंत्री है, यदि हम जानते हैं अगर यदि कुछ नियम बनाता है कि फॉलो करना है, हम कहते नहीं मानते हैं, तो फिर आप मोदी को कैसे जानते हैं? ये प्राइम मिनिस्टर इज द सुप्रीम पावर। भगवान मीन्स सुप्रीम। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी डिसीजन दिया जाता है उसको कोई खारिज नहीं कर सकता है, यू शुड हैव टू ओबे। तो सिमिलरली यदि हम भगवान को मानते हैं ही इज द सुप्रीम, अल्टीमेटली वी शुड हैव टू सरेंडर, और कोई नहीं है अल्टीमेट। यदि हम भगवान को माने कि इज भगवान, तो हम ये सोचना चाहिए कि हम उनके अधीन है, हम के नित्य किंकर है, दास है। तो इसी प्रकार भगवान से हम सबको सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यदि माँ बाप को कोई बच्चा ना रेस्पेक्ट करता है, मानता है, माँ बाप को स्वाभाविक स्नेह है, सब प्रकार के उनके भरण पोषण करते हैं। और जो जिसके माँ बाप नहीं है क्या है, वो अरफान है, अनाथ है। तो उसी प्रकार भगवान की साथ जो छोड़ दिया है वो अनाथ है, क्योंकि भगवान ही जगन्नाथ है, जगत की नाथ है, इज द मेंटेनर ऑफ द होल यूनिवर्स। इसलिए भगवान के ऊपर आश्रय रखने के लिए भगवान के विषय में सुनना चाहिए, भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और भगवान के ऊपर जब हम आश्रित रहते हैं तो मन भगवान में लग जाता है और हमको पूर्ण शांति की प्राप्त होती है। इसलिए भगवान के ऊपर आश्रय लेने के लिए बहुत प्रकार के उपाय हैं। भगवान के नाम हैं, भगवान के धाम हैं, भगवान के ज्ञान हैं। तो कलयुग में बहुत सुलभ है भगवान के आश्रय लेना। क्या है? नामाश्रय करी जतने तुमी थाक आपन काजे। नाम के आश्रय, हाँ ये बहुत बड़ा आश्रय है, क्योंकि
भगवान के नाम और भगवान अभिन्न है। नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह नित्य मुक्त पूर्ण शुद्र नाम नामी अभय तत्व। वही शुद्धता को, वही पूर्णता को हम प्राप्त कर सकते हैं भगवान के नाम उच्चारण करने से। नित्य प्रतिदिन आप चलते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, खाते हुए, कुछ भी क्रियाकलाप करते हुए भगवान के नाम को उच्चारण कर सकते हैं और भगवान की हमेशा ही इस प्रकार शेल्टर को प्राप्त कर सकते हैं किसी भी परिस्थिति। कृष्ण इज ऑलवेज विद यू, वो सब जगह में, सब परिस्थिति में, ये भरोसा रखना चाहिए। इसलिए जो लोग भगवान की महिमा के विषय में जान लेते हैं पूर्णतया यथा ज्ञान सी तत्सुणो, ये सुन करके जब हम समग्रम सभी प्रकार से भगवान की ऐश्वर्य को समझ लेते हैं तो हम भगवान की शरणागत हो जाते हैं और पूर्ण शांति को प्राप्त करते हैं। तो भगवान की शरणागत होने के लिए सबसे सरल उपाय क्या है? क्या सरल उपाय? भगवान की नाम की आश्रय, करेक्ट। क्या है नाम भगवान की? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ प्रभु जी ने इस श्लोकों के ऊपर कुछ व्याख्या की। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी ने आपको जो श्लोक सुनाया गीता के सातवें अध्याय का पहला श्लोक है, उसमें भगवान कह रहे हैं कि असंशयम समग्र माम यथा ज्ञासि तक्षणो, कि बिना संशय के संपूर्णता से मुझे जिस प्रकार से जानोगे वो सुनो। तो चूंकि भगवान कह रहे हैं कि सुनो, तो आपको सुनना है, आपको कहीं जाना नहीं है और भागा दौड़ी नहीं करनी है, जंगल में भी जाने की जरूरत नहीं है और बड़ी कठोर तपस्या करने की जरूरत नहीं है, कोई उपवास करने की जरूरत नहीं है, केवल सुनना है, इसमें कोई परिश्रम नहीं है और इसी में ही पूरा लाभ है, सब कुछ मिलेगा। और जब तक आपको सुनने का अवसर नहीं मिलता है तो आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करिए। तो बहुत सरल विधि बताई है और भगवान जब बताते हैं तो फिर उससे सरल और कुछ नहीं हो सकता, इसलिए भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो प्रभुपाद के ग्रंथ हैं तो उनको आप पढ़िए और यहाँ मंदिर में आकर के जो भक्तों का संग है उससे करिए और प्रवचन सुनिए और इसी में ही पूरा लाभ है और जीवन की सफलता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।